हेलो एवरीवन, मैं हूं सुधीर शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल आईकेट क्लासेस। आज है फंडामेंटल की सेवेंथ वीडियो और आज का टॉपिक है आईओडी और आईओडी यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वीडियो नंबर सेकंड। फर्स्ट पार्ट में हमने कॉन्सेप्ट की बातें की थी, अब हम आज करेंगे कुछ क्वेश्चंस। मैंने यहाँ पे तीन क्वेश्चन लिए हैं तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से स्ट्रांग हो जाए। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा है कि ए ने विड्रॉ किए 20,000 रुपीज, कब किए हैं? 31 मार्च को। उसके बाद केवल एक बार 20,000 रुपीज विड्रॉ करता है ए ऑन 31 मार्च 2013 को। उसके बाद आईओडी का जो रेट है विच इज 10% और जो हमारी क्लोजिंग डेट है वो है मार्च की जगह, यहाँ पे देखिए मार्च था और यहाँ पे दिसंबर, यानी कि मार्च में उसने पैसा विड्रॉ किया और क्लोजिंग है हमारी दिसंबर में। तो आईओडी कैसे कैलकुलेट होगा? टोटल अमाउंट विड्रॉ किया 20,000 रुपीज यानी कि 20,000 रुपए, रेट है 10%। और बेटे यहां पे 31 मार्च को उसने विड्रॉ किया, मार्च को तो काउंट करेंगे ही नहीं, यानी कि अब मार्च के बाद अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी कि 9 मंथ का यहां पे आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। यहां पे जो हमने कॉन्सेप्ट वन में सीखा था एवरेज पीरियड वगैरह उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, सीधा हम लोग सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपने एक ही बार अमाउंट विड्रॉ किया फॉर पर्सनल यूज और हमारी जो क्लोजिंग डेट है वहां तक कितने मंथ्स अभी लेफ्ट हैं, केवल उसी के बेस पे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए 1, 3 and 4, 5 डबल जीरो से डबल जीरो काट दीजिए, 1500 रुपीज, यानी कि जो ए का आईओडी यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बनेगा वो है 1500 रुपीज। चलिए सेकंड एग्जांपल समझते हैं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 20,000 रुपीज उसने विड्रॉ किया, लेकिन बेटा अब की बार विड्रॉवल है हमारा 1 जैन में, लेकिन क्लोजिंग डेट यहां पे है 31 मार्च और बेटे 1 जैन को इसने विड्रॉ किया तो पूरे जैन यानी कि जनवरी का भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, जैन फेब मार्च यानी कि 3 मंथ का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 10% और 3/12 1/4 कुछ के, हाँ जी 500 रुपीस, यानी कि 1/4 यानी कि 3 मंथ का लग गया। अगर मैं पूरे 1 ईयर का लगाता तो 2000 हो जाता, उसका 1/4 कर दिया यानी कि 500 रुपीस इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा एंड ऑफ द ईयर तक। यहां पे देखिएगा, यहां पे कहते हैं कि 20,000 रुपीस इसने विड्रॉ किया, ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा 10%, लेकिन यहां पे विड्रॉ कब किया नहीं बताया, बस केवल ये बोल दिया ड्यूरिंग द ईयर 20,000 रुपीज का विड्रॉवल हुआ। और बेटा क्लोजिंग डेट अब कोई भी हो कोई मैटर नहीं करता, क्लोजिंग डेट कोई भी हो मैटर नहीं करेगा। अब देखिएगा बेटा यहां पे केवल आपको बोला गया ड्यूरिंग द ईयर उसने 20,000 रुपीज विड्रॉ किए हैं, यानी कि बेटा कब कब कितना कितना किया कुछ नहीं बोला, केवल ये बोल दिया कि टोटल इसका विड्रॉवल अमाउंट जो है वो 20,000 रुपीज है। ऐसे केसेस के अंदर हम इसको एज्यूम करते हैं मिडिल ऑफ द मंथ, मिडिल क्वार्टर मान लो या मंथ मान लो दोनों सेम है, तो बेटे इसको हम मानेंगे एवरेज पीरियड जो इसका होगा वो मिडिल होगा यानी कि 1/12 × 6 यानी कि 1000 रुपीज। ये इंपॉर्टेंट चीज है थोड़ी सी कि जब भी आपको टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स गिवन हो, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग गिवन हो लेकिन इंटरवल गिवन नहीं होते तो उस केस में हम इसको मिडिल मानते हैं, यानी कि जो हमारा एवरेज पीरियड होगा वो 6 हो जाएगा। तो बेटा ये दो जो है ऐसे मैंने क्वेश्चन लिए जो कि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे। यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा, चीज समझनी पड़ेगी कि टोटल अमाउंट दिया हुआ था, टोटल अमाउंट गिवन है बट इंटरवल गिवन नहीं है, उस केस में आपका जो एवरेज पीरियड है वो यहां पे मिडिल माना जाता है यानी कि 6 मंथ हो जाएगा। पार्ट 1 में कॉन्सेप्ट के साथ हमने एक एग्जांपल भी किया था,
जिसमें एग्जाम्पल में दिया गया था 1000 रुपीज पर मंथ विड्रॉवल हो रहा है, उसमें हमने तीन केसेस बनाए थे, बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, मिडिल ऑफ ईच मंथ एंड एंड ऑफ ईच मंथ। तीन हमने वहां पे क्वेश्चन, मतलब कि तीन पार्ट समझ लीजिए, तीन क्वेश्चन समझ लिए, वो हमने कर लिए। अब थोड़ा सा क्वेश्चन के लेवल को हम फिर चेंज करते हैं, राइट। चलिए अब देखिएगा क्वेश्चन कैसे मैं चेंज कर रहा हूं। जो भी मैं क्वेश्चन लेने वाला हूं बेटा, वो भी आपकी पीएस ग्रेवाल का ही क्वेश्चन है, और जहां से आईओडी स्टार्ट हो रहा है शायद उसका फर्स्ट क्वेश्चन ही है ये। इसमें है क्या बोलता है, ए रोज रुपीज 2000 बिगनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर 6 मंथ। कहता है हमारा जो ए पार्टनर है ना, उसने 2000 रुपीज ईच मंथ विड्रॉ किया, लेकिन ये प्रोसेस केवल उसने 6 मंथ के लिए किया, यानी कि ये प्रोसेस उसने, मैं मान के चलता हूं 30th September तक किया, और मार्च में हमारी क्लोजिंग है। ये प्रोसेस हमारे पार्टनर ने 6 मंथ तक किया, तो अब यहां पे जो 2000 रुपीज उसने विड्रॉ किया 6 मंथ तक विड्रॉ किया, टोटल अमाउंट कितना विड्रॉ होगा, 2 × 6 12000 रुपीज। ठीक है जी, 12000 रुपीज इंटू 10% ले लेते हैं, ये लीजिए 10% इंटू 1/12। लेकिन बेटा अब यहां पे जो एवरेज पीरियड है वो क्या होगा, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस में हम 12 मंथ्स की बात कर रहे थे, लेकिन अब 6 मंथ्स की बात कर रहे हैं। अब अच्छे से समझेगा मैं एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करके आपको बताऊंगा। यहां पे कहता है कि जब हमने फर्स्ट टाइम विड्रॉ किया तो 30th September तक, यानी कि 1st April को जब आपने विड्रॉ किया तो 30th September तक, देखिए क्योंकि उसने विड्रॉवल किया है 30th September तक, 6 मंथ तक यह प्रोसेस हुआ है, तो यहां से यहां तक हमें 6 मंथ नजर आ रहे हैं। और उसके बाद जब अगेन वो 1st September को विड्रॉ करेगा तो यहां पे आप देखिए, यहां पे आप देखेंगे तो आपको 1 मंथ नजर आएगा, यानी कि आपका जो एवरेज पीरियड होगा वो 3.5, यानी कि आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, और यहां से आपका आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। तो बेटा ये आपके टीएस ग्रेवाल का फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसी पे बेस्ड है, बिल्कुल डाटा वो नहीं है, वहां पे एंड ऑफ ईच मंथ है। देखिए अगर मैं इसमें आपको बात करता एंड में, अगर मैं विड्रॉ करता तो बेटा 1st April से मुझे वापस से 5 मंथ्स नजर आते, और जब 30th September को मैं विड्रॉ करता तो 0। तो अभी हमने बेसिक क्वेश्चंस किए हैं, इसके अंदर जो एक अलग है प्रोडक्ट मेथड, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में करने जा रहे हैं, और उसके बाद आपका आईओडी का टॉपिक भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पूरा मेथड जो है मंथली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, पूरा कॉन्सेप्ट सेम है, एवरेज पीरियड जो है वो केवल आपने हर बार चेंज करने हैं। तो चलिए अब इसको देखिए आप लोग, और नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट मेथड के साथ, और उसके बाद आपका आईओडी का कॉन्सेप्ट खत्म।